हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दिन के 2 बजे से, तो 2 बज गए हैं और मैंने ब्लॉग अपना अभी स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा कि आज मैं क्या क्या करी, क्योंकि जल्दी भी गर्मियाँ इस बार पड़ने लगी। नहीं तो अप्रैल में इतनी गर्मी अप्रैल में पड़ती थी, इतनी जल्दी नहीं पड़ती थी। और ये देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कैसे जल गया, ये बोर्ड का है, पता नहीं कैसे जल गया है, ये देख लीजिए। और ये देख लीजिए मेरी टॉर्च, ये चार्जिंग के लिए लगी है। और ये देख लीजिए फ्रेंड्स, अभी का दोस्त यहाँ पे बैठा है, तो अभी के दोस्त से आप लोगों ने मिल लिया होगा। और अभी जो है शगुन फोन देख रही है, मैं उसको भी दिखाती हूँ आप लोगों को। और फ्रेंड्स, मेरा मनी प्लांट देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देख लीजिए पत्तियाँ गंदी है, साफ़ करने वाली है, साफ़ करेंगे किसी दिन। ये देखो बहुत ज़्यादा गंदी है सारी। और ये देखो, देख सकते हो आप, ये देख लीजिए कितना प्यारा दही जम गया है। ये देखो, मैंने आज सुबह जमाया था, तो ये देख लीजिए कितना प्यारा प्यारा दही। फ्रेंड्स, अभी मैं सो गई थी और सो के उठी हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ बर्तन धुल लेते हैं। और फिर बर्तन धुलने के बाद अभी मुझे चाय भी बनाना है, तो चाय बनाऊँगी शाम की चाय, और फिर उसके बाद तो खाना ही बनाना होगा। आलस वाला दिन हो गया इतने समय, यानी कि गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा आलस आता है, लेट जाओ तो फिर सोने का मन करता है, यानी कि नींद आ जाती है। तो अब मैं उठी हूँ, तो फटाफट से बर्तन धुल लेती हूँ, फिर जो है मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। बर्तन मैंने साफ करके रख दिया है और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने। और ये देख लीजिए, ये बर्तन मेरे धुल गए हैं, ये देख लीजिए। अभी मैं इस टोकरी में डाल दूँगी बर्तन को, और फिर जो है मैं चाय बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की रोटियाँ बनाने। और किस किस को बेसन की रोटियाँ पसंद है ज़रूर बताइएगा। और ये देख लीजिए, मैं गैस में ही बना लेती हूँ, ज़्यादा मोटी नहीं बनाती हूँ, मीडियम साइज़ की बनाती हूँ तो बन जाती हैं। और ये देख लीजिए, आटा गूंद के मैंने रख दिया और इधर बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। और ये देख लीजिए, इतनी मेरी रोटियां बन के तैयार हो गई हैं, और हम लोग जा रहे हैं खाने बेसन की रोटियां और रायता। रायता के साथ बेसन की रोटियां किसको अच्छी लगती हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं जब, और गर्मियों के दिन में जो है, इतने समय गर्मियों के दिनों में जो है रायता, इतने समय किसको नहीं पसंद है, सभी को पसंद होना चाहिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो है रायता जो मैं बूंदी का बनाने जा रही हूँ, ये देख लीजिए बूंदी की पैकेट में दिखा रही थी, यही वाली है, बस थोड़ा सा ही बनाना है, तो थोड़ी सी बूंदियाँ हैं। और ये देख लीजिए 10 रुपये वाला पैकेट है ये, तो इसको मैंने गर्म पानी किया है, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का गुनगुन पानी, गुनगुना सा, और उसी में जो है इनको मैंने भिगो दिया है। और जब बूंदियाँ जो है सही से भीग जाएंगी, तब छान के जो है इनको रख लेंगे। और ये दही जो है, दही को पतला कर देंगे चम्मच से चला के, नहीं तो गाढ़ा होता है दही रहता है, तो फिर बिल्कुल नहीं सही बनती हैं, यानी कि रायता फिर सही नहीं बनता। और इसमें थोड़ा सा जो है काला नमक और सफ़ेद वाला नमक दोनों ही मिक्स पीस के जो है डाल दिया है, और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है। और इसमें जो है जीरा जो है भून के और पीस के तब ये थोड़ा सा डाली हूँ, और थोड़ा सा मैं रायता मसाला भी डाली हूँ, क्योंकि रायता मसाला मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। अगर किसी के पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि डालना ही पड़ता है। तो ये देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा रायता नमक भी डाल दिया है, रायता मसाला भी डाल दिया है।
मेरे यहाँ था तो मैंने डाल दिया। और ये देख लीजिए जो छनी हुई बूंदी है उनको भी मिला दूंगी मैं, और छान लेते हैं तो पानी फिर नहीं रहता है, सही रहता है और अच्छा भी बनता है। और इसमें जो है तड़का लगाने के लिए, तड़का में जो लगाऊंगी वो जीरा और हींग और एक लाल वाला मिर्च, इससे मैं लगाऊंगी। और जब ये जो पक जाए और ठंडा हो जाए जब तेल, तभी दही में डालें। अगर पहले आप डालेंगे तो दही फट जाएगा, इसलिए पहले थोड़ा सा ठंडा कर देंगे और फिर उसमें जो है दही में डालेंगे। और बाद में देख लीजिए हरी धनिया डाल दिया और कितना प्यारा रायता बनके तैयार हो गया है। और इधर शाम को ही मुझे बनानी थी आलू और सेम की सब्ज़ी, तो मैं बनाने लगी हूँ। और मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, ऐसे ही बस दिखा दिया। और जो है सभी लोग मेरे घर पे शाम को जो है रायता या दही वगैरह, नहीं शाम को ऐसे भी नहीं खाना चाहिए लेकिन मेरा मन करता है तो मैं खा लेती हूँ, और बच्चे और सभी लोग मेरे घर पे नहीं खाते हैं तो मैंने कहा उनके लिए सब्ज़ी बना देते हैं। और ये आलू और सेम की सब्ज़ी है। तो अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग और ये देख लीजिए बाहर जो है मेरे घर के बाहर यानी कि धनिया लगी हुई है, और ये बैंगन का पेड़ और ये टमाटर का पेड़ है। तो शगुन वही धनिया तोड़ रही थी क्योंकि धनिया की पत्तियां तोड़ के रख देती है, तो जब मुझे डालना होता है तो मुझे आना नहीं पड़ता बाहर लेने, तो वही वो तोड़ रही थी। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप आप लोगों को दिखा देते हैं। और तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।